आपका व्यवस्था उसमें है, आपके प्रशासन लगे हुए हैं, आप सब टाइट हैं, उसमें लीक कैसे हुआ? पहले इसका जवाब आप दीजिए, लीक कैसे हुआ आप बताइए ना। चलिए हम बताएंगे, वो बताएंगे ना पहले। मुद्दा सर ये है कि महंगाई और बेरोजगारी चाहे जितना भी हो जाए, बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपका 500 आमदनी है, आप 700 रुपया घर में खर्चा करेंगे तो वो आपका टूटेगा तो कहेंगे महंगाई है। बताया कि 22 आदमी ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के हिंदुस्तान के बाहर चले गए। मोबाइल को लाने वाला इंडिया में कौन है, कांग्रेस है कि भाजपा है, ये आप हमें समझा दें। जहाँ से लिख हुआ है उसको जो है बुलडोजर चलाना चाहिए था ना, औकात नहीं को जो है बुलडोजर चला दें, औकात नहीं है। जहरगो बात अहरोरा बात नहर की सिंचाई, ये लोग जो खेती करते हैं कौन बनवाए इनसे पूछिए। यही दुनिया भर का मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री अखिलेश नहीं रहे, अखिलेश के बाबू नहीं रहे, ये सब प्रधानमंत्री नहीं थे। ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार है, राष्ट्रपति उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, तो आखिरकार अभी तक बदला नहीं तो अब क्यों बदला? गाँव के कोटेदार कहते हैं कि मतलब सपा अखिलेश मुलायम सिंह चोर हैं, मगर हम तो खुद जानते हैं कि वो खुद बहुत बड़े चोर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एहसान है जो आज हम लोगों को ये पावर देकर खड़ा किए थे, जो आज हम दिखा रहे हैं 4 तारीख को देखिएगा, ये लोग जगह तलाशेंगे कि हम कहाँ। यूपी में गौ गोश के लिए मना किए थे मोदी जी ने, 250 करोड़ का चंदा लिए हैं बीप कंपनी, सबसे बड़ा बीप कंपनी से 250 करोड़। क्यों? लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज 1 जून को समाप्त हो चुका है, समय भी अब समाप्त हो चुका है, तमाम जो लोग हैं वो हमारे पीछे खड़े हैं। फिलहाल हम लोग मिर्जापुर लोकसभा में, मिर्जापुर लोकसभा के अदलहाट मार्केट के ही नज़दीक गरौड़ी ग्राम है, वहीं पर हम लोग पहुँचे हैं और लोगों से प्रतिक्रिया हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आपने ईवीएम का तो बटन दबा दिया है, लेकिन आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे जो आपने सोच करके इस बटन को दबाया है? फिलहाल आप देख पा रहे हैं तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे पक्ष के अपने अपनी राय होगी, हम तो तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आप ही से स्टार्ट करते हैं, क्या परिचय हुआ? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और खाटी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो हम राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को देख कर वोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समस्या जो हम लोगों को है, तमाम तरीके का महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरीके का समस्या है इनके राज में। जहाँ भी जाइए कोर्ट में कचहरी में, एक के जगह 5 गुना मांगा जा रहा है, कोई भी कार्ड नहीं। अभी तक गांव में ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जिनको कि राशन नहीं मिलता, लोग कहते हैं बहुत तगड़ा राशन मिलता है। तमाम ऐसे लोगों को आप गिना देंगे हम कि वो वोट देते हैं, वोटर लिस्ट में है लेकिन राशन नहीं मिलता। ऊपर अपने उच्च अधिकारी तक उन्होंने कंप्लेन नहीं किया? हर जगह जाएंगे उच्च अधिकारी में, अगर हम जाएंगे तो वहाँ उनके उच्च अधिकारी बैठे हैं लखनऊ दिल्ली में, उनका बात आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार बदलाव हो, सपा की सरकार कांग्रेस की सरकार बने और जरा इन लोगों को भी हम लोग 5 साल देखा जाए, अनुभव किया जाए कि कैसा सरकार चलाते हैं। अगर बढ़िया चलाते हैं ठीक है, नहीं फिर सोच विचार किया जाएगा। इस बात आप ही बताइए हमें कि कांग्रेस के सरकार में जब 65 रुपया किलो दाल तेल था तो महंगाई थी, आज 150-200 रुपया किलो तेल है, 200 रुपया किलो लहसुन है, प्याज का हालत आकाश पर, नेनुआ इस वक्त थोड़ा फर रहा है कि लोग खा जी ले रहे हैं, दाल का सीजन चल रहा है, 200 रुपया किलो दाल है। आप बताइए गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कैसे जिएगा? हम लोग केवल बाबा जी को देख करके जिए खाएँ, समस्या है ना। लोगों का यह भी कहना है कि जैसे इनकम होती है वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे लोगों का इनकम आप सोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे ही महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अच्छा एक बात आप बताओ, गरीबों का कितना इनकम ये बढ़ा दिए? केवल 5-6 गल्ला से इनकम हो जाएगा? इनकम है कमाई के हिसाब में इनकम है। आज पहले 100 रुपया कमा रहे थे, आज के 500 रुपया कमा रहे हैं, अब कैसे करेंगे? इनकम नहीं है, महंगाई के हिसाब से इनकम है। यदि आप एक मिनट सुनिए, एक लेबर का तनख्वाह 400 रुपया है, सुनिए एक मिनट, बात मत करिए। आपसे भी हम रुके, हम आपसे भी बात करेंगे, एक मिनट। यदि 500 रुपया आदमी कमा रहा है तो उनका खर्चा 700 रुपया है तो महंगाई नहीं बढ़ेगा? आपका 500 आमदनी है, आप 700 रुपया घर में खर्चा करेंगे तो वो आपका टूटेगा तो कहेंगे महंगाई है। कहाँ से महंगाई है बताइए, कमाई के हिसाब से महंगाई है। क्या कह रहे हैं? आज देखे मोबाइल सबके हाथ में 4000, 5000, 25000 हर परिवार में मोबाइल पहले था,
किसी के पास कहाँ मांगा है? ये तो आधुनिकता का युग है, जैसे आधुनिकता के हिसाब से चल। मोबाइल को लाने वाला इंडिया में कौन है, कांग्रेस है कि भाजपा है, ये आप हमें समझा दीजिए, बता दीजिए इनको। पहले 20 रुपया था मजदूरी, आज कंप्यूटर कौन लाया है भारत? कंप्यूटर वाला लाया है, जहाज अथवा जेल बीच अमेरिका वाला लाया। राजीव गांधी कंप्यूटर इंडिया में लाए हैं, ये मोदी जी नहीं लाए हैं। इधर जो जरगो बात, अहरेरा बात, नहर की सिंचाई है, लोग जो खेती करते हैं कौन बनवाया इनसे पूछिए, बताइए। अरे जो पहले का बनवाया था कौन बनाया? 40 बजे से हुई है, आज क्या हो रहा है? यही बनारस है डेली? आप कहाँ के रहने वाले? बनारस कहाँ के हैं? यही कहे ना, बनारस में डेली मर्डर होता था 17 के पहले, आज कहाँ मर्डर हो रहा है? मर्डर हो रहा है बनारस में डेली, कोई दिन बाकी था 17 के पहले? कैसा शासन प्रशासन चल रहा है? नहीं एक्सीडेंट नहीं चल रहा है कि नहीं? विदेश से लोग जाकर एक्सिस बैंक का पैसा मिल गया, बोले के भाग गया, आज तक पकड़ा नहीं है चोर। विदेश में भागे हैं अभी, कौन नीरव मोदी गया था विदेश से पकड़ कर, पैसा दिया कि नहीं? आ रहा है, दे रहा है नीरव मोदी, दिया कि नहीं? कैसे मान ले मिल गया है? बिल्कुल पैसा नहीं मिला है। ये कहां से डाटा लेकर आए? इन्होंने कहा कि नीरव मोदी जैसे उनको पकड़ के लाया गया और वो पैसा वापस कर दे, ये कहां से डाटा ये लेकर आए? जिसके पास जैसी शिक्षा होगी वो इसी बोलेगा। हम बताया कि 22 आदमी ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के हिंदुस्तान के बाहर चले गए और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसान वर्ग पे जो है 2 लाख रुपया अगर ब्याज है लोन है तो उसका माफ नहीं हो रहा। और जहाँ तक क्रिमिनल का मामला है, आज कौन सा ऐसा संविधान आ गया है कि बगैर जांच के, बगैर उसको जो है गवाही के, उसका घर गिरा दिया जा रहा है बुलडोजर से? क्या मतलब है बुलडोजर कहाँ चल रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ था? सन 47 से लेकर के अभी 5 साल पीछे तक ऐसा कोई कानून नहीं था, आज कानून हो गया। पेपर जो है जब वैकेंसी निकली है नौजवान बच्चों का, तब तक पेपर को लिख कर दिया गया, ऐसा क्यों? इसमें कौन सी नियत है? उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो अधिकारी जो है लिख कराया है, जहां से लिख हुआ है उसको जो है बुलडोजर चलाना चाहिए था ना। औकात नहीं को जो है बुलडोजर चला दें, औकात नहीं है। उन्हीं का लोग है तो कहां से गिराएंगे? जब उन्हीं का लोग है तो कहां से गिराएंगे बुलडोजर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? इन लोगों का मेन मुद्दा सर ये है कि महंगाई और बेरोजगारी चाहे जितना भी हो जाए, बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बस इन लोगों का मेन मुद्दा राम को ये लाते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बस यही मुद्दे पे ये लोग वोट करते हैं। और आगे बात, बदलाव लाना चाहिए। पंचवर्षीय पे वोट क्यों पड़ता है? इसीलिए पड़ता है कि बदलाव होना चाहिए, और हम लोग बदलाव को देख रहे हैं और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके पास से पूरा पब्लिक यहाँ पर सहमित है। आप जब ईवीएम का बटन आज दबाने गए थे तो आपके दिमाग में क्या था, कि आपने क्या सोच करके आज ईवीएम का बटन दबाया है? सर, हम लोग ये सोचकर बटन दबाए हैं कि हमको एक मतलब कि पढ़ा लिखा एक ऐसा मतलब नेता चाहिए जो सबके साथ, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़कर ले चले। नारा तो ये भी देते हैं सर, नारा वो देते हैं, लेकिन सबका सर ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जो सर बवाल होता है सर, इसके पहले सर कभी नहीं हुआ था। आज मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर आपस के अंदर सर हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है आपस के अंदर सर। लड़ रहे थे मुसलमान हिंदू का तो बताइए, कभी भी लड़ रहे थे तो हम 30 साल का हमारा उम्र हुआ, कभी भी आपाने में टक्कर कर रहे थे। इनके अथवा में मंत्री में इसके अथवा में हुआ है, सब इनकी में बात में हुआ है, इसकी में झगड़ा लड़ाई, ये यही दुनिया भर का मंत्री हुए हैं। प्रधानमंत्री अखिलेश नहीं रहे, अखिलेश के बाबू नहीं रहे, ये सब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, और वो का नाम है राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं थे, सोनिया गांधी मुख्यमंत्री नहीं थे, सब थे ना, तो ये सब चूतिया थे। यही क्या आके जानकार सर, हम सब चाहते हैं यहाँ पर कि सबका साथ सबका विकास, और सर अपने देश के अंदर भाईचारा, अमन, शांति सब चाहता है यहाँ पर, कि आपस के अंदर हिंदू मुसलमान एक भाई की तरह सर एकदम मिलजुल कर रहे, एकदम यहाँ पर कोई मतलब भेदभाव की जिंदगी नहीं जीना चाहता है। यहाँ हर इंसान चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आपस के अंदर भाईचारा, अमन, शांति चाहता है। हाँ, ये कोई नहीं चाहता सर कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो और धर्म के नाम पर और ये वोट मांगा जा रहा है। आपने क्या सोच कर क्या वोट किया है? सर, हमने तो यही सोच कर वोट किया है कि हमारे देश में शांति बना रहे, शांति का माहौल रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको नौकरी मिले, शिक्षा मिले, वो भी आगे बढ़े। ये सरकार में वही देख रहे हैं जैसे बीए करके बकरी चरा वाला, मिरहुआ वाला, तो इतने बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं देश में, लेकिन सब बकरी चरा रहे हैं। आज कोई मध्य प्रदेश जा रहा है,
कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई कहाँ जाके कमाई कर रहा है, अपने परिवार से दूर हो रहा है पैसे के लिए। और पैसा हमारे देश में इतना है कि आदमी सो कर भी खा सकता है, लेकिन इस सरकार में पैसा होते हुए भी लोग भूखे सो रहे हैं। और दो दो बार एक बिहार वाला जो पुलिस भर्ती का परीक्षा हुआ था पेपर लीक हो गया, यूपी वाला हुआ ये भी लीक होया, उसमें हमारे बच्चे भी परीक्षा दिए हुए थे। एक पेपर का 400 रुपये खर्च आता है, ठीक है, अब इस हिसाब से जोड़िए कितना पैसा गया होगा खाते में मोदी जी के, कितना पैसा गया होगा, उस सब पैसा कहाँ गया? पेपर तो लीक हो गया, लीक हुआ कैसे? आपका व्यवस्था उसमें है, आपके प्रशासन लगे हुए हैं, आप सब टाइट हैं, उसमें लीक कैसे हुआ? पहले इसका जवाब आप दीजिए, लीक कैसे हुआ आप बताइए ना। चलिए हम बताएंगे, वो बताएंगे ना पहले, हम क्या बताएंगे। जैसे आप हर चीज में आप जानना चाहते हैं सर, मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम कैसे भी तो सर उनसे पूछ सकते हैं सर। सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे पेपर लीक होने का कारण क्या है जी? जो कहते हैं कि जो छिनरा वही डोली के पीछे, वही हाल हुआ ना। हम पैसा ऐठ लेंगे पब्लिक का, हम मुद्दा बना लेंगे, गठरी बना के इलेक्शन लड़ जाएंगे। अब पब्लिक जाए भाड़ में, साला खाली आत्मनिर्भर बनिए, पढ़ के बकरी चलाओ चाहे भेड़ी चलाओ उसे मतलब नहीं है, उनका काम हो तो बस काम हो से मतलब है। तो हम लोग को सरकार ऐसा चाहिए कि जो गरीब अमीर बूढ़ा बच्चा बुजुर्ग हर के आदमी के देखे, उमल जातिवाद ना हो एक चाहिए, हिंदू मुसलमान ना हो चाहिए। हमारे गांव ऐसा हो कि ना वहाँ हिंदू होला ना मुसलमान होला, पूरा त्यौहार पर्व हम लोग मिल के मनावल जला, लेकिन कुछ मतभेद देखे के मिलल तो ये सरकार में जी सही कह रहे हैं। और एक पहले हमके देखे के नहीं मिलल, अब हमारे बुजुर्ग लोग के मिलल हो न मिलल हो ओकर गारंटी हम नहीं ले सकते। सारा गांव यही तो है कि हम लोग के गांव में हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के रहते हैं, और ये चाहे जितना भी लड़ा लें मगर हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम ना कभी लड़े थे ना कभी लड़ेंगे, हमेशा मिल के मनाए हैं त्योहार और मनाएंगे चाहे ये कितना भी लड़ा लें। क्या परिचय हुआ आपका जी? नाम फिर हमारा नाम फिरदौस अहमद है सर। एक लोग और जुड़े हुए हैं, आपने क्या सोच करके आज ईवीएम का बटन दबाया है? हम तो साइकिल के दबाए हैं। साइकिल के दबाए, ठीक है, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपने सोचा कि बटन दबाया, कि क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या मुद्दे सोच करके आपने वोट दबाया, कि मान लीजिए अखिलेश यादव आएंगे तो क्या करेंगे? जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। मतलब आपको पहले से ही विश्वास? जो करेंगे उनका मैनिफेस्टो भी है, मैनिफेस्टो आपने नहीं पढ़ा? हाँ नहीं पढ़ा। दूसरा पत्र भी तो उन्होंने जारी किया था। एक बात और सर, हमारे गांव के कोटेदार कहते हैं कि मतलब सपा अखिलेश मुलायम सिंह चोर हैं, मगर हम तो खुद जानते हैं कि वो खुद बहुत बड़े चोर हैं। हर महीने पब्लिक का गल्ला गायब कर देते हैं, हर महीने पब्लिक का गल्ला गायब कर देते हैं और परेशान करते हैं पब्लिक को, और कहते हैं कि सपा चोर है, अखिलेश चोर हैं, मुलायम सिंह अखिलेश के पापा चोर हैं। मगर ये कहना तो गलत है। नहीं, गलत वही जो आपसे अभी कल कहे थे ना कि अखिलेश के पापा मुलायम सिंह चोर हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जो अखिलेश के पापा और मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह काम कर गए वो शायद कोई नहीं कर पाएगा यूपी में, और जो कहता है चोर है वो खुद चोर है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ चोरी हम कर रहे हैं। सर हमें राशन खुद 15 किलो कम मिला था, 15 किलो कम मिला था, तो वो बोल रहा था कि वो राशन सड़ गया, बेकार राशन आया है, अब हम बाद में दे देंगे। तो बाद में मिला हमको 10 किलो मिला, लेकिन 5 किलो राशन आज तक नहीं मिला, हर महीने गड़बड़ी, नहीं मिला राशन। आपने कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन किससे करें सर, नीचे से ऊपर तक कोई सुने तब तो कंप्लेन करें। कंप्लेन आदमी करता है वहाँ। ये बातें तो हर जगह सुनने को मिलती है कि कोटा में राशन कम मिलता है। आपने वोट किया तो क्या सोच करके आपने आज वोट किया? बेरोजगारी अहम मुद्दा है, इस को जागरूकता, युवाओं को भविष्य को सोचते हुए हमने वोट किया है। जो ये कह रहे हैं कि कोटे वाली बात वो सत्य है? वो तो 100% सत्य है, मगर सही बात जो वोटिंग इस बार हो रही है वो संविधान के बचाने के लिए हो रही है। संविधान हमारा आज खतरे में है, क्योंकि अब जो इस वक्त पीएम मोदी हैं, इतना बड़ा जाहिल आज तक कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं हुआ। जब इनसे डिग्री मांगी गई तो फर्जी डिग्री इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी से लेकर के लोगों को दिखाने का काम किया है। थोड़ा सा अगर हम इस बात पर पूछना चाहें आपसे कि आप लोग कह रहे हैं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार दो बार से पूर्ण बहुमत की सरकार है, राष्ट्रपति उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, तो आखिरकार अभी तक बदला नहीं तो अब क्यों बदल देंगे? आप कहिए ना कि राष्ट्रपति भी उनका है, राष्ट्रपति भी उन्हीं के पार्टी का है, सब कुछ उनका है, मगर अभी वो धीरे धीरे चल रहे थे। हम लोग पिछली
बार जो वोट कर रहे थे वो यही दिखा करके वोट कर रहे थे कि ये संविधान पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। इस बार उनके बड़े बड़े नेता खुद कहने लग गए कि संविधान को बदलना है, संविधान बदलना है, 400 पार आएगा, संविधान बदल देंगे। उस वक्त हम लोग को यही बात समझ में आ रही थी, मगर अब जो समझ में आई है वो 400 पार की बात वो नहीं थी। अब ये बेचारे होपलेस हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब ये 400 पार जो 143 बच रहा है वो 143 हमारे जिम्मे आएगा। जाहिल प्रधान है ना, इसलिए देर में समझेगा। अगर ये पढ़ा लिखा इंसान होता, बुद्धिजीवी होता, दूरंदेश होता, तो ऐसी बात न कहता 400 पार की। तो पहले पंचवर्षीय आप उनका समर्थन कर रहे थे और इस बार जो है आप उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, समर्थन करना न करना वो अलग की बात है। उस वक्त हम नहीं समझ पा रहे थे कि कितना बड़ा जाहिल और कितना बड़ा बहरूपिया है। देख लीजिए कितना ये चेहरा बदलता है, मुखौटा बदलता रहता है, हर महीने में तो इनका मुखौटा बदलता है। जब ये आए हैं तब चीन जो है लद्दाख में घुसा है। इनके आने के बाद लद्दाख में चीन घुसा है। अक्साई चीन से पहले भी तो कब्जा में है, अक्साई चीन ऐसी कोई बात नहीं थी। इनके आने के बाद हुआ है, इनके आने के बाद हुआ है। अक्साई चीन पर कब्जा है कि नहीं? चीन का, चीन का कब्जा तो यह है, तो भारत का ही तो अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग है, हाँ, पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है, बिल्कुल। तो ये किनकी देन है? ऐसे प्रधानमंत्री को झेलना हमारी मजबूरी थी। आज मौका आ गया है, यही एक हमारी पावर थी जो आज हमने दिखाया है मतदान करके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एहसान है जो आज हम लोगों को ये पावर देकर खड़ा किए थे, जो आज हम दिखा रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा, ये लोग जगह तलाशेंगे कि हम कहाँ जाएं। क्या उम्र है? हमारा उम्र 16 साल है। हमारे कहने का मतलब ये है, उस राम भक्त भाई हम लोग का कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। मोदी जी राम को लाए हैं, तो मोदी से कहिए कि जो नीरव गांधी जो ले भागे, नीरव मोदी, हम लोग का पैसा उसको भी लाएंगे। हमारा ये सवाल है, मतलब इतना छोटा, जब वो राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते, बताइए। कितना तक आप पढ़ाई किए? अभी तो 10 में गए। अभी 10 में गए, चलिए, मतलब जानकारी रखते हैं विदेश। नहीं, इसका सवाल का जवाब में चाहिए। चलिए, सवाल का जवाब वो देंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। चलिए, फिलहाल देखिए हम लोग सवाल और है। हाँ, बोलिए। यूपी में गौ गोश के लिए मना किए थे मोदी जी ने, 250 करोड़ का चंदा लिए हैं बीप कंपनी, सबसे बड़ा बीप कंपनी से 250 करोड़, क्यों? चलिए देखिए, ये सब तमाम सवाल हैं जो इनके क्या नाम क्या हुआ आपका? साहिल जी है। ये मिर्जापुर लोकसभा के, इसमें हम लोग गरौड़ी ग्राम में थे, जहाँ से कि इन लोगों की प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही थी। और कुछ इनके सवाल हैं जिसका ये जवाब चाहते हैं। अगर आप भी समझते हैं कि आप मोदी के भक्त हैं या फिर भाजपा की गवर्नमेंट आप चाहते हैं कि अगली बार बने, तो इनके सवालों का जवाब भी आप देते जरूर जाइएगा। फिलहाल यहाँ से लोगों की यही एक बयार है कि परिवर्तन की बयार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगामी भविष्य में अब 4 तारीख को देखना ही होगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। चले, से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।